हेलो बच्चों, आठवीं क्लास में हम हमारा एक नया पाठ पाठ 11 बाल कवि सम्मेलन पढ़ने जा रहे हैं। इस पाठ में छोटे छोटे बच्चों द्वारा प्रतियोगिताओं का आयोजन है। वो मंच पर कैसे बैठते हैं, क्या प्रोसेस होती है, कैसे पर्दा उठता है और मंच पे क्या क्या व्यवस्थाएं हैं, वो सब हम इस पाठ में पढ़ेंगे। बच्चों ने कैसे इस सम्मेलन का आयोजन किया है, उनके द्वारा क्या क्या प्रतियोगिता, क्या क्या कविताएँ और जो अन्य विषयों पर जो उन्होंने कविताएं सुनाई हैं उसके बारे में आप बुक में पढ़ेंगे। मैं आपको पढ़ाऊंगी, साथ ही साथ उसका अर्थ भी समझाऊंगी। तो आइए हमारी बुक का पेज नंबर 24 ओपन करते हैं और इस पाठ को पढ़ना शुरू करते हैं। ये हमारी हिंदी का पाठ 11 है, बाल कवि सम्मेलन, है ना। इस पाठ का नाम क्या है? बाल कवि सम्मेलन। बाल कवि सम्मेलन क्या होता है? बाल मतलब छोटे छोटे जो कवि हैं वो सम्मेलन कर रहे हैं, मतलब सारे स्टूडेंट्स हैं उनके द्वारा ये सम्मेलन हो रहा है ना। इस पाठ में हम पढ़ेंगे कि बच्चों द्वारा क्या क्या इस सम्मेलन में सुनाया जा रहा है, क्या क्या संदेश दिया जा रहा है, वो क्या बोल रहे हैं। बाल कवि मतलब जो छोटे कवि हैं वो अपनी कविताओं के बारे में इस पाठ में हमें बताएंगे। बाल दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। आइए इस पाठ को हम पढ़ते हैं। पेज नंबर 25 ओपन करेंगे। यहाँ पे सभी बच्चों के नाम दिए हैं, है ना। अब देखिए सौरभ क्या है। सौरभ अध्यक्ष है। मंजरी बाल कवित्री बनी है। शेवाल बाल कवि है। शिवम संचालक है। अंकुर बाल कवि बना है। कृतिका कोमल बाल कवित्री बनी है। प्रखर बाल कवि बना है। अब देखिए क्या होता है, पर्दा उठता है। ये सारा प्रोग्राम मंच पे हो रहा है, तो जैसे मैं पढ़ते जा रही हूँ वैसे आप लोगों को इमेज करते जाना है। पर्दा उठता है, सामने मंच पर गद्दे बिछे हुए हैं जिन पर करीब 8-10 बाल कवि बैठे हुए हैं, है ना। क्या हो रहा है, पर्दा उठ रहा है और सामने गद्दा बिछा हुआ है ना। उस पर क्या है, कम से कम 8-10 बाल कवि ने छोटे छोटे कवि बैठे हुए हैं। अभी आपको मैंने चित्र दिखाया, उस चित्र में दिख रहा था आपको कि गद्दा बिछा हुआ है और छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए हैं। मंच के बीच में कुछ आगे की ओर एक छोटा सा माइक रखा हुआ है। एक कोने में ऊंची तिपाई पर सरस्वती जी की प्रतिमा रखी हुई है जिनके पास एक दीपक जल रहा है, है ना। देखिए फिर से एक बार, पर्दा उठा, सामने हमें मंच दिखाई दिया, ये बिछा है गद्दा, यहाँ पे कम से कम 8-10 बाल कवि बैठे हुए हैं, ये माइक रखा हुआ है उनके सामने और ऊपर सरस्वती जी की प्रतिमा रखी है, ये उनके सामने दीप जल रहा है। अब आगे सुनते हैं। सबसे पहले शिवम, है ना। शिवम बोलता है, शिवम क्या कर रहा है, छोटे वाले माइक को अपनी ओर खींचा, जो सामने माइक रखा था उसने अपनी ओर खींचा। सौरभ दीप जी, आप इस कवि सम्मेलन के अध्यक्ष पद को ग्रहण करें। वो क्या बोल रहा है सौरभ दीप जी से, कि आप उठिए और इस सम्मेलन में के अध्यक्ष पद को आपको ग्रहण करना है, है ना। शिवम बोलता है, साथियों चलिए कार्यक्रम का आरंभ सरस्वती वंदन से करते हैं। आपको भी पता होगा कि जब हम किसी भी कार्यक्रम का आरंभ करते हैं, मतलब शुरू करते हैं, तो पहले सरस्वती जी की पूजन करते हैं। माँ भारती की वंदना के लिए मैं आमंत्रित करता हूँ बहन कृतिका कोमल को। अब वंदना मतलब जो भगवान जी की, सरस्वती माता जी की जो वंदना होगी, उनकी जो प्रार्थना होगी, उसके लिए उसने किसको आमंत्रित करा है, कृतिका कोमल को। कृतिका कोमल माँ सरस्वती को नमन करते हुए, जैसे ही कृतिका कोमल नाम की बालिका उठी, उसने क्या करा, पहले सरस्वती माता को नमन किया। नमन किया मतलब अपने सिर को दोनों हाथ जोड़ के झुकाया, उसको बोला जाता है नमन। माँ, उसने प्रार्थना स्टार्ट की, शुरू की, माँ हम बच्चे नादान मांग रहे तुमसे वरदान। वो बोली माँ हम बच्चे नादान, ये उसकी पूरी कविता लिखी हुई है, मैं उसका आपको हिंदी में अर्थ बताती हूँ। हम नादान बच्चे हैं और आपसे वरदान मांग रहे हैं। ज्ञान दीप तुम आन जला दो, दूर करो सबका अज्ञान। आप आकर अपना एक ज्ञान का दीपक जला दो और जो भी सब अज्ञान है इस धरती पर, जहाँ पे भी अज्ञान फैला हुआ है, उस सबको दूर कर दो। वरद हस्त रख दो माँ सिर पर, अपने वरदान का जो हाथ है वो हमारे सिर पर रख दो। आए नहीं कभी अभिमान, अभिमान मतलब होता है घमंड, और हमें कभी भी घमंड नहीं आए, ऐसा आशीर्वाद दो कि हमें कभी भी हमारे पास जो चीज़ें हैं या हम जहाँ पे भी हैं या हमारे पास जो भी वस्तुएं हैं, उन सब चीज़ों का हमें कभी भी घमंड ना हो, अभिमान ना हो, है ना। अब देखते हैं आगे क्या होता है। अब शिवम क्या बोलता है, आप सभी लोगों ने बहन कृतिका की कोमल मधुर वाणी में वंदना सुनी। वो बोलता है आप सभी लोगों ने, कृतिका ने जो भी कविता बोली, कविता सुनाई, वो मधुर वाणी में उसकी जो वंदना थी, कविता नहीं थी सॉरी, वंदना थी, वो आप लोगों ने सुनी। कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे प्रिय साथी अंकुर। अब वो क्या कर रहा है,
एक के बाद हम देखते हैं ना, हमारे स्कूल में भी जो प्रतियोगिताएं होती है, कार्यक्रम होता है, तो एक के बाद भैया दीदी जो होते हैं, हमारे सीनियर्स जो होते हैं, वो एक आवाज़ लगाते हैं, बुलाते हैं। तो ऐसे ही कार्यक्रम की अगली प्रस्तुति के लिए आ रहे हैं हमारे प्रिय साथी अंकुर। अंकुर भी उनमें से एक है, है ना, बाल कवि अंकुर। अंकुर बोलते हैं, साथियों आप लोगों के समक्ष में दोस्ती के संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब अंकुर जो बोल रहा है, पहले उसने एक्सप्लेन किया, हम जो भी बोलना चाहते हैं, बोलने के लिए हमको जो भी टॉपिक मिला होता है, हम उसके बारे में थोड़ा सा पहले बोलते हैं, फिर उसका स्टार्टिंग करते हैं, फिर उसको हम शुरू करते हैं। जैसे अंकुर ने बोला, साथियों आप लोगों के समक्ष में दोस्ती के संबंध में कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत कर रहा हूँ। अब वो दोस्ती के बारे में कुछ पंक्तियाँ सुना रहा है, तो उसने पहले बोल के बताया, दोस्ती जब भी करो पक्की करो, दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो, है ना। मतलब क्या है, दोस्ती जब भी करेंगे तो पक्की करेंगे, ऐसे नहीं करना आज कर ली कल लड़ाई कर लिया। जब भी करो अच्छी दोस्ती करो, पक्की दोस्ती करो, और दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो, और कभी भी लड़ाई झगड़े करके उसको तोड़ना नहीं चाहिए। श्रोतागण, वाह वाह, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। जो भी उसने दोस्ती के संबंध में पंक्तियाँ बोली थी, वो श्रोतागण मतलब जो सुनने वाले लोग हैं उनको बहुत अच्छी लगी, तो उन्होंने बोला वाह वाह, और अंकुर की इस तरह से तारीफ की। अंकुर दाहिना हाथ आगे करते हुए अगली पंक्तियों पर विशेष ध्यान चाहूँगा, ऐसा बोलता है, अपना हाथ आगे करता है, दाहिना हाथ आगे करता है और बोलता है, अगली पंक्तियों पर मैं विशेष ध्यान चाहूँगा, मतलब अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उस पर आप लोग अपना ध्यान दीजिए। सद्गुणों को ही सदा अपनाओ, मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ। सद्गुण मतलब अच्छे गुण, हमें हमेशा अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए, और मैत्री का हाथ आगे बढ़ाओ, और हमेशा दूसरों की मदद के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ाना चाहिए, दोस्ती के लिए अपना हाथ हमेशा आगे बढ़ाना चाहिए। दुर्गुणों की आज तुम छुट्टी करो, जो भी हम अपने अंदर दुर्गुण है, मतलब बुरे गुण हैं, जो बुराइयां हैं, कुछ बच्चे झूठ बोलते हैं और भी इस तरह के कई जो दुर्गुण होते हैं, उनको हमको क्या करना है, आज उनकी छुट्टी कर देना है, उनको अलग कर देना है, हमारे अपने आप से दूर कर देना है। दोस्ती करके नहीं कुट्टी करो, इसी तरह से दोस्ती अगर एक बार हो जाए तो फिर कुट्टी मतलब कट्टी कर लेते हो ना आप लोग, आपस में लड़ाई कर लेते हो, दोस्ती ख़त्म कर लेते हो, तो एक बार दोस्ती करके उनको उसको ख़त्म नहीं करना है। अब फिर से श्रोतागण, है ना, जो लोग सुन रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, ताली बजाते हुए गड़ गड़ गड़, जब तालियों की आवाज़ आती है तो कैसे आवाज़ आती है, गड़ गड़ गड़, तो तालियाँ बजाते हुए, वाह क्या बात कही, आनंद आ गया। क्या बोल रहे हैं श्रोतागण कि वाह क्या बात कही, आनंद आ गया, मज़े आ गए। अंकुर की बात सुनते ही जो भी श्रोतागण बैठे थे उनको बहुत अच्छा लगा। शिवम, साथियों इस सार्थक एवं मधुर कविता के बाद मैं आप लोगों को हंसाने गुदगुदाने के लिए आमंत्रित करता हूँ हास्य रस की कवित्री मंजरी को। अब मंजरी आएगी और वो क्या सुनाएगी, हम लोग सुनते हैं, मतलब मैं पढ़ती हूँ और आप लोग सुनेंगे, ठीक है। अब मंजरी क्या बोल रही है सुनिए। हाथियों नहीं नहीं साथियों, अब उसने आते से ही क्या बोल दिया, हाथियों, अरे नहीं नहीं साथियों, समझ रहे हैं आप लोग, ठीक से अपनी अपनी जगह को पकड़ लो और मुंह खुला रखो, ताकि अभी जो मैं हंसी के गोल गप्पे आपकी ओर फेंकूं वो सीधे आपके मुंह में गिरे। वो आप समझने की कोशिश करना, वो मजाक के रूप में बोल रही है, हाथियों बोला किसको, साथियों को, अरे नहीं नहीं साथियों, ठीक से अपनी जगह पकड़ लो और अपना मुंह खोलो, ताकि मैं जो हंसी के गोल गप्पे आपकी ओर फेंकूं, मतलब वो ऐसा मजा कुछ चीज़ें सुनाने जा रही है जिसमें कि आपको मजे आएंगे, तो वो सीधे आपके मुंह में गिरे। तो लीजिए, तोड़ दूं मरोड़ दूं, सूंड का रुख मोड़ दूं, जोश में हाथी उठाकर शीश उसका फोड़ दूं, खम्ब सी टांगे उखाड़ूं और उसको धर पछाड़ूं, और टुकड़े बीच फेविकोल से जोड़ दूं, तोड़ दूं मरोड़ दूं, तोड़ देती हूं और मरोड़ देती हूं, सूंड का रुख मोड़ देती हूं, और जिधर हाथी की सूंड है उसका रुख, जिधर उसका डायरेक्शन है उसको मैं मोड़ देती हूं, जोश में हाथी उठाकर शीश उसका फोड़ दूं, और एकदम जोश में आकर मैं हाथी को उठा लेती हूं और उसका शीश मतलब जो सिर है फोड़ देती हूं, और उसके सिर को मैं फोड़ देती हूं, खम्ब सी टांगे उखाड़ूँ और खम्भों की तरह उसकी टांगे उखाड़ देती हूँ, और उसको धर पछाड़ और उसको मैं धर पछाड़ कर देती हूँ, और टुकड़े बीच फेविकोल से फिर जोड़ दूँ, और उसके टुकड़े टुकड़े करके उनको सबको बीच में मैं फिर से फेविकोल से जोड़ देती हूँ। ऐसा वो कर सकती है क्या, लेकिन नहीं, लेकिन वो ऐसा बोल के बता रही है, ये उसने सुनाया। अब श्रोतागण क्या बोलते हैं, हम सुनते हैं, मैं पढ़ती हूँ और आप सुनेंगे। श्रोतागण बोलते हैं क्या, वह तालियों की जोरदार गड़गड़ाहट के साथ एकदम तालियां बजाई जोर जोर से, वाह 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 वाह, आ हा
आहा, है ना। उसको उन्होंने बोला वाह 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 वाह, आहा आहा। मंजरी बोलती है दो और पंक्तियों पर ध्यान दें, तो दो पंक्तियाँ और वो सुनाने जा रही है, उन पर ध्यान दें। आज भी इतना दम है मेरी सूखी कलाई में, मेरी जो सूखी कलाइयाँ हैं उनमें आज भी इतना दम है, आज्ञा हो तो आग लगा दूँ फ़ौरन दिए सलाई में, और अगर आप लोग मुझे इजाज़त दें तो अभी भी मैं फ़ौरन इन्हें तुरंत दिया सलाई में आग लगा देती हूँ। दिया सलाई में मतलब माचिस से मैं अभी भी आग लगा सकती हूँ, ठीक है। श्रोतागण बोलते हैं लाजवाब अति सुंदर, वो बच्ची है लेकिन वो अपने क्या बताना चाह रही है, अपने बल को बताना चाह रही है कि उसमें कितना बल है, कितनी ताकत है और वो क्या कर सकती है, ठीक है। अब श्रोतागण कहते हैं लाजवाब अति सुंदर, क्या बोलते हैं श्रोतागण, लाजवाब अति सुंदर। फिर शिवम बोलते हैं मंजरी जी की सफल प्रस्तुति के पश्चात अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ वीर रस के सुप्रसिद्ध कवि श्री प्रखर जी को। अब प्रखर आएंगे, वे अपनी ओजस्वी कविताओं से हमारे श्रोताओं को उत्साहित करेंगे, और जो उनकी ओजस्वी कविता जो वो सुनाने जा रहे हैं सभी श्रोताओं को उत्साहित करेंगे। प्रखर बोलते हैं, क्या बोलता है प्रखर, अपने कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए। प्रखर क्या बोलता है, अपने कुर्ते की बाहों को ऊपर चढ़ाते हुए, साथियों एक रचना आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ, सुने। वीर है हम धीर हैं हम, वीर है हम धीर हैं हम, साहसी रणधीर हैं हम, शक्ति अपनी जानते हैं, देश की तकदीर हैं हम। हम अगर चाहें मिटा दें शत्रु का नामो निशा, देखने में लघु लगे पर विष बुझे से तीर हैं हम। क्या बोल रहा है, वीर हैं हम धीर हैं, मतलब अपने आप को बता रहा है कि हम वीर हैं धीर हैं और हम साहसी भी हैं, ठीक है। रणधीर हैं हम, जो रण भूमि में जाते हैं, है ना, वो भी हम हैं। शक्ति अपनी जानते हैं हम, और हम अपना बल अपनी शक्ति अपनी ताकत को हम पहचानते हैं। हम देश की तकदीर हैं, इस देश की जो तकदीर है वो कौन है, हम ही हैं। हम अगर चाहें मिटा दें शत्रुओं का नामो निशा, अगर हम चाहें तो शत्रुओं का नामो निशा भी मिटा सकते हैं। देखने में लघु लगे पर, देखने में तो हम छोटे हैं पर विष बुझे से तीर हैं हम, लेकिन जो एक तीर होता है जिसमें विष लगा होता है उस तरह के तीर हैं हम, है ना। तो ये पंक्तियाँ किसने बोली है, प्रखर ने बोली है। अब श्रोतागण क्या बोलते हैं सुनिए। अरे वाह प्रखर जी क्या रचना है, श्रोतागण जो कवि और श्रोतागण है वो बोलते हैं अरे वाह प्रखर जी क्या रचना है। तालियों की गड़गड़ाहट से सभागार गूंज उठा। प्रखर की जो कविता प्रखर ने सुनाई वो सब लोगों ने सुनी और तालियों की गड़गड़ाहट इतनी तेज़ हुई कि पूरा जो सभागार था जहाँ पे सम्मेलन हो रहा था वो पूरी तरह गूंज उठा, है ना। तो ये पेज नंबर 26 था, इस पार्ट को हमने अभी एक्सप्लेन किया है। ये पार्ट बड़ा है तो इसका हम आधा पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करूँगी मैं, पेज नंबर 27 पे। अभी तक आपको इसको पढ़ना है और समझने की कोशिश करना है।